तो हेलो गाइस, क्या आप घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हो और करने को कुछ नहीं है तो चिंता मत करो। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में दो मूवी और तीन ऐसे वेब सीरीज लाया हूँ जिसको देखने के बाद आप यही बोलोगे, वाह भाई क्या मूवी सजेस्ट की है। तो बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आकांश वाड़ी और आप देख रहे हैं इंट्रोवर्ट गाय। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो नंबर फिफ्थ पे है 2019 में रिलीज हुई यस गॉड यस, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पे पर अवेलेबल है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। मतलब मैं बताता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाओ, मतलब सेल्फ प्लेजर के बारे में बताया गया है। इस मूवी की स्टोरी ऐसी है कि एक जवान लड़की जिसका रोल प्ले किया है नतालिया डायर ने, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, जो कि सेल्फ प्लेजर के बारे में जानना चाहती है और ये पूरी मूवी सेल्फ प्लेजर के बारे में बनाया गया है और इस मूवी की रेटिंग है 6.1। फोर्थ नंबर पे है लव एंड लिशियस। ये एक कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस मूवी के बारे में मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। हाँ, पर इतना बता सकता हूँ कि मूवी के हीरो और एक्ट्रेस की एक्टिंग देख के आपको मजा आ जाएगा और ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है विद 6.4 रेटिंग के साथ। नंबर थ्री है मिस्टर फ्लेचर। एक सिंगल मदर जिसका नाम ईव है और उसके बेटे के साथ रहती है, जो कि कुछ ही दिनों में कॉलेज पढ़ने के लिए जाने वाला है अपना घर छोड़ के, और वो चले जाता है और ईव घर में अकेले पड़ जाती है। और कुछ दिन बाद ईव मिड लाइफ सेक्सुअल क्राइसिस से गुजरती है और उसके कारण वो अजीब अजीब हरकतें करना चालू कर देती है, जिसको देखने में वियर्ड तो लगता है पर देखने में मजा आता है। इस वेब सीरीज के एंडिंग देख के तो मेरे होश उड़ गए। ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है विद 7.1 रेटिंग के साथ। नंबर 2, तो आपको एनिमे देखना पसंद है तो नंबर 2 की वेब सीरीज आपको पसंद आएगी, जो कि है डेविल मैन क्राई बेबी। यह एनिमे सीरीज बाकी एनिमे सीरीज से थोड़ी सी अलग है। इसका एनिमेशन आपको स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगेगा, पर 2 एपिसोड निकल जाने के बाद इसका एनिमेशन अच्छा लगने लगेगा और इस सीरीज का वॉयलेंस और न्यूडिटी देख के हैरान हो जाओगे। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है विद 7.6 IMDb रेटिंग के साथ। तो अब आते हैं नंबर 1 पे, जो कि है द नेकेड मैन डायरेक्टर। इस सीरीज की न्यूडिटी और वॉयलेंस देख के मुझे रात को नींद भी नहीं आई थी और पूरी रात इसके बारे में ही सोच रहा था। और यह सीरीज टोरू मुरांसे की रियल स्टोरी पे बेस है, जिन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाया था। और इस सीरीज के बारे में मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा क्योंकि इसको आपको खुद देख के एक्सपीरियंस लेना होगा, क्योंकि इसमें जो डायरेक्टर की स्टोरी दिखाई गई है वो मैं अपने मुंह से बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा जब तक आप उसको देख ना ले। और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में नए मूवी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।